धर्मपाल जी, आपको मोशंस वगैरह, मेरा मतलब है कि पेट ठीक से साफ होता है आपका? हाँ डॉक्टर साहब, पर आप ये क्यों पूछ रहे? नहीं वो फोन पे क्यों हुआ डॉक्टर साहब? चुप हो जा। अगर पेट ठीक से साफ नहीं हुआ तो उसका असर पूरी बॉडी पे पड़ता है ना, बस इसलिए पूछ रहा था। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कहते हो तो फिर हाथ के साथ साथ पेट का भी ध्यान रखूंगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, शादी की तारीख निकलवाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्यों हुआ? आप मणि क्यों चुप करा रहे? नहीं वो एक्चुअली मैंने भी डैड से यही पूछा था, तो उन्होंने भी कहा उनका पेट खराब है ना इसलिए। मैं मॉम को बोल दूंगा आपसे बात करने के लिए। ना ना, ये बात आप अपने पापा से ही पूछ ले तो अच्छा रहेगा। ओके। यहाँ पे भी मम्मी मम्मी कर रहे हैं। मैं सीधी सीधे बोल नहीं सकता कि गलती से हाँ कर दिया था शादी के लिए। सुना सुशीला, तो डॉक्टर प्रमोद से पापा के लिए नींद की कोई माइल्ड सी गोली लेकर आना, जो पुत्तू को नाई बनाने का टाइम दी थी। वैसे जाना, मांगना। तेरा आइडिया, तेरा प्लान, तू मांग। तू मांगेगी तो वो ना नहीं कहेगा। मैं तो चाहती हूँ कि वो मुझे ना कहे। धर्मपाल जी का पेट तो बिल्कुल ठीक है, फाइल्स के बहाने से मिलने के लिए बुला है, पर मिल को नहीं रही। कौन ना मिला डॉक्टर साहब? सुरेश, सुरेश मेरे बचपन का दोस्त है, वो नहीं मिल रहा है। अच्छा फिर चलता हूँ मैं, वो हॉस्पिटल में पेशेंट भी वेट कर रहे होंगे मेरा। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ फिर। सुशीला जाना, वो जा रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद, वो आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। क्या? वो आप पापा के लिए नींद की कोई माइल्ड सी मेडिसिन दे सकते हो? क्यों? वो उन्हें आजकल ठीक से नींद नहीं आ रही है ना, इसीलिए। अच्छा। हाँ पर अगर मेडिसिन चाहिए ना तो सुशीला जी से कहिए कि खुद आके मांग, तब दूं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है छोटा हड्डी? प्रॉब्लम मेरी नहीं, प्रॉब्लम आपकी है। जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती आप मुझसे बात ही नहीं करती हो। तो करूंगी भी नहीं। जब तक तुम्हारी मम्मी मेरे पापा से बात नहीं कर लेती जो बात तुम्हें करनी चाहिए थी, तब तक नहीं करूंगी। अभी के लिए ये सब छोड़ो और वो नींद की दवाई दे दो। नहीं दूंगा। सुशीला क्या कर रही है? हाफ से ज्यादा नहीं, वो भी दिन में सिर्फ एक बार। और आप लोग ये तो बता दो कि करने क्या वाले हो। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट छोटा हड्डी, अभी के लिए बस इतना जान लो कि गुन्नु सत्तू के टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। अपना यो बिल्ली के हैशटैग को ट्रेंड करवा दो बस। एक बार पापा जी हमारे प्रेशर के नीचे आ गए ना, फिर तो उनकी छोरियां चलाएंगी काटेलाल एंड सन्स। अरे बिल्ली तो सबरे से तूफानी हो रखी है, इग्नोर फील कर। वो उसके पोस्ट का कोई रिएक्शन आया ना पापा की तरफ से, अब तो छोरी गदर मचा देगी, गदर देखना। बोलो माता रानी की सदा ही जय। माता रानी की जय बोलते हो और गर्ल्स को सैलून में आने से रोकते हो। शिशु तेरा क्या ख्याल है? मैंने माँ की सेवा तो ठीक से ही की थी ना, तने क्या लगता है मैंने उनका कभी अनादर तो ना किया ना? मेरी तो आपने रेड पेल रखी है भाई साहब, किसी के सामने भी डांट देते हो ना, आगा पीछा देखते ना छोटा बड़ा देखते, लेकिन माँ का अनादर तो ना किया होगा ये तो मैं कह सकता हूँ। अरे वही तो पूछ रहा हूँ और तू बाकी बातें गिना रहा है। सुबह से जिसे देखो रेल बनाई हुई मेरी, जैसे सबको मौका मिल गया। और धीरे से
इससे पूछा तो मेरा ही अनादर कर देगी, या तो घुमा फिरा के पूछना पड़ेगा। चंचल एक बात बता ना, अगर तने मेरा व्यवहार देख के 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर देगी? अब भाई साहब, भला मैं कौन होती हूँ आपको नंबर देने वाली? हैं? आप मेरे से बड़े हैं, जब जी करे कुछ भी कह सकते हो आप मेरे से। ना ना, फिर भी तू बता कितने नंबर देगी? अब आप इतना जोर दे ही रहे हो तो आपने मेरा एसी रख लिया, और फिर गलती कोई भी करे डांट आप मुझे देते हो, और मेरे पुत्तू को मेरी मर्जी के खिलाफ नाई बनाने पे तुले हुए हो। तो इन सब हरकतों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको 5-6 नंबर तो दे दूंगी भाई साहब। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, भाई साहब, ओ माय गॉड। तने सवेरे सवेरे फिर फोन उठा लिया, मैंने मना किया था ना। अरे पापा, जाओ जी, काटेलाल एंड सन्स की न्यूज, सी काटेलाल एंड सन्स की बदनामी कर रहे, आस्किंग व्हाई गर्ल नॉट अलाउड इन काटेलाल एंड सन्स, अब माताएं एंड बहने फीलिंग इंसल्ट, काटेलाल एंड सन्स के दरबार से दे गो बैक विदाउट बाल कटवाए, दैट इज व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग। मैं तो यहाँ दहलीज के इस तरफ कब से इंतजार कर रही हूँ, तूने ही रोक रखा है मुझे, ना समझ, मेरा अनादर मत कर बिट्टू। अगर मैं एक बार रूठ कर चली गई तो दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मतलब माता रानी घर नहीं, दुकान की दहलीज पर खड़ी है। गर्ल्स के सीट पे बैठने से तुम्हारी सीट ज्यादा घिस जाती है, या फिर वो पैसे नहीं देती, टेल मी व्हाई। तो तुम उन्हें अपने विंटेज और हेरिटेज सैलून में बाल कटाने से कैसे रोक सकते हो? ना क्या बिल्ली जी, पहले भी कह चुके हैं, योर डिसीजन तो हमारा ना है, योर डिसीजन तो इस हेरिटेज सैलून के ओनर का है, हम तो बस उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ना एक्चुअली ओनर का भी ना है, योर डिसीजन इस समाज का है, मतलब इन लोगों का, समाज। समाज ना यो क्या चल रहा है? ना आज फिर वीडियो हो रही है। ना ये यो पूछना चाहती है कि लड़की आपकी दुकान में आके जलेबी समोसा टिक्की खा सकती है, आपकी दुकान में आके फूलों का गुलदस्ता खरीद सकती है, और इस बात पे हाथी बाजार वालों को कोई प्रॉब्लम ना है, तो फिर काटेलाल एंड सन्स में लड़कियों के आने से आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।